दोस्तों स्वागत है आपका यूके स्पाइट चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है बांस का टुकड़ा। यूं तो हम सभी जानते हैं बादशाह अकबर को अक्सर आदत थी कि वे पटांग सवाल पूछकर बीरबल को अक्सर परेशान किया करते थे। ऐसी एक समय की बात है कि बादशाह अकबर और बीरबल शाही बाग में घूम रहे थे। बादशाह अकबर को बीरबल को प्रसन्न करने की आदत थी ही। अकबर ने वहीं पास में पड़ा हुआ एक टुकड़ा उठाया बांस का और बोले, बीरबल इस टुकड़े को तुम बिना छुए और बिना काटे फूटा कर सकते हो? बीरबल भी हाजिर जवाब थे। बीरबल समझ गए कि बादशाह अकबर मुझे इस पटांग सवाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बीरबल तो शुरू से चतुर बुद्धिमान थे, वे कहां मानने वाले थे। बीरबल ने इधर उधर मुंडी घुमाई, चारों ओर देखा। अकबर पूछ रहे थे कि बीरबल क्या हुआ, तुम्हें जवाब नहीं सूझ रहा है क्या? बीरबल ने बोला, नहीं हुजूर, मैं इसका जवाब अभी देता हूँ। थोड़ी देर बाद बीरबल वहीं पास में गार्डन के पास गए और वहाँ एक बांस का लंबा टुकड़ा उठाकर ले आए और बादशाह अकबर से वो छोटी बांस की लकड़ी का टुकड़ा ले लिए और दोनों लकड़ियों को जमीन पर रख दिए। बीरबल ने बोला, महाराज कृपया आप बताएं इन दोनों में सबसे छोटी लकड़ी कौन है? बादशाह अकबर देखते रह गए, समझ गए कि बीरबल को फंसाना इतना आसान नहीं है। दोनों हंसते हुए शाही बाग की ओर चल दिए। तो दोस्त, बीरबल इतने बुद्धिमान और चतुर थे कि वो प्रश्न में ही अपने सवालों का जवाब ढूंढ लेते थे। इस चैनल पर हम ऐसी कहानियां लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।